नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय वाईफाई टीचाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं हरियाणा में जो फार्म आए हुए हार्टोड के अंदर, उसमें कौन कौन फार्म भर सकता है। उसमें वो कैटेगरी फार्म भर सकती है जो ग्रुप सी के अंदर आती है। पहली बात तो ये SETC के फॉर्म है, 18 तारीख लास्ट डेट है। और वो भी वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो क्लर्क की पोस्ट पे हो, जैसे स्टैंडो पे हो और रीडर हो, और पुलिस में भी एक दो पोस्ट ऐसी होती है क्लरिकल लाइन की, वो भी दे सकता है। यानी कि मान लीजिए डाटा ऑपरेटर हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो या रेगुलर बेस पे हो। ग्रुप सी के श्रेणी है, जो ग्रुप सी तृतीय श्रेणी के अंदर जो कर्मचारी आते हैं वो इसका फार्म भर सकते हैं। और SETC क्यों दिया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। SETC सरकार ने रूल कर रखा है कि आपका सालाना वेतन वृद्धि, अगर आपने SETC पास कर रखा तो आपका वार्षिक वेतन वृद्धि आपको मिलेगा, अगर आपने SETC पास कर रखा तो आपको प्रमोशन मिलेगा। और बहुत सी समस्या आ रही है, ग्रुप डी भाई जो प्रमोटेड या क्लर्क बने हैं उनको बहुत सी दिक्कत आ रही है। अगर आपसे पहला टेस्ट पास नहीं हो पा रहा तो आप उसके लिए कोर्स कर सकते हो, 6 महीने का। उसके लिए आप एक पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि आपने कहाँ से कोर्स करना चाहिए, आपके नियर बाय जो भी ब्रांच आप वहीं से भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो मान्य हो कहीं से कर लो, मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं इस बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप राय ले सकते हो, ठीक है भाइयों। और इसमें मैं आपको बता दूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको टाइपिंग नोट्स, टाइपिंग सॉफ्टवेयर और MSQ यानी क्वेश्चन जो भी है, सब कुछ आपको मिलेगा, सब पेड है। बड़ी मेहनत से हमने बनाया है और लगातार SETC का एग्जाम जो होता है उसके बारे में हम अपडेट भी आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो जो भाई SETC एग्जाम देना चाहता है या देने जा रहा है तो हम कॉमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप साथियों को जोड़ोगे तो हम उससे अच्छी स्टडी करवा पाएंगे यूट्यूब पर। और हमने जो एक बार तैयारी करवा दी वो फेल नहीं होगा, वो अभ्यर्थी बात गारंटी का दावा है। चाहे वो टाइपिंग हो, मेहनत आपने करनी है, रास्ते हमारे मत सिर्फ आपको ट्रिक देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, मेहनत आपने करनी है, ठीक है। तो मेहनत आपने भी करनी होगी, हाथ पे हाथ रहे बैठे कुछ नहीं होने वाला। आपको टाइम देना होगा अपने सिस्टम पे, आपने टाइपिंग करना होगा। अगर आप पहला टेस्ट देना चाहते हो उसके लिए आपने पढ़ना भी होगा। हम आपको रास्ते बताते हैं कि ऐसे तैयारी आपसे नहीं हो पा रही तो ऐसे करें, ये शॉर्ट रास्ते होते हैं। और जैसे कि आपसे ज़्यादा प्रश्न तैयार नहीं हो पाते, याद नहीं हो पाते, हम आपको बताते हैं मेन क्वेश्चन ये आप याद कर लो। और हमने तुक्का ट्री भी बना रखी है यूट्यूब, ऐसी बात नहीं है SETC के लिए। तो भाई जो डाटा ऑपरेटर है, क्लर्क स्टैंडो जो भी हो, चाहे आउटसोर्सिंग पे हो या आप कच्चे हो पक्के हो, जैसे भी सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एक फायदे की चीज़ है। अगर आपने अभी जरूरत नहीं इसकी तो आप अगर ये पास कर लोगे तो भविष्य में आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रिय साथियों, वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फॉर्म को आपने ध्यान से भरना है।